श्री मोरारजी देसाई जी, आप ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपर्क में आप पहले पहल कब आए? पार्टी की तत्कालीन स्थिति के बारे में हमें कुछ बताइएगा। मैं पार्टी में आया 1930 के मई महीने में। मैंने जब तीसरे हफ्ते में नौकरी छोड़ दी और तब गांधी जी का 30 का सत्याग्रह शुरू हो चुका था, तो मैं कांग्रेस में तब जुड़ गया और उसमें शरीक हो गया और फिर जेल में भी गया 30 में। और फिर कांग्रेस कमेटी के, वहाँ के प्रदेश कमेटी के मंत्री मुझे बना दिया गया। मैं तो चाहता नहीं था, मगर सब लोगों ने कर दिया 31 में। तब से फिर ज्यादा सक्रिय बन गया। इसके बाद 1942 का आंदोलन चला और देश को आजादी मिली। उस समय कांग्रेस की स्थिति या कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस की मनोदशा के बारे में, कांग्रेस के अंदर व्याप्त उत्साह के बारे में आप हमें कुछ बताइए। पहले तो कांग्रेस एक ही संस्था थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती थी। दूसरी पार्टियां थी जैसी कम्युनिस्ट पार्टियां वगैरह, मगर उनका तो तरीका अलग रहा। और हिंदू महासभा भी थी, ऐसे भी कुछ थी, कुछ लिबरल पार्टी भी थी, मगर सिर्फ कांग्रेस ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती थी। और लड़ाई शुरू की गांधी जी ने 1921 से, मगर तब पोस्टपोन हो गया था क्योंकि कुछ वायलेंस हो गया। फिर बारडोली में सत्याग्रह हुआ लैंड रेवेन्यू के बारे में, तो भी कांग्रेस ने किया था और उसमें सफलता मिली। तो इससे 1930 का फिर वो मूवमेंट शक्य बना। और वो मूवमेंट 31 के मार्च में, सरदार दक्षिणपंथी नहीं थे, वो वास्तवदर्शी थे, वो हमेशा गरीबों के लिए ही थे। इसीलिए सही तरीके से समाजवाद किसी का कहा जाए तो वो सरदार का नहीं था, ऐसा नहीं था, उनका था, क्योंकि वो तो गरीबों को और पेजेंट्स को बराबर ये करना चाहते थे। जवाहरलाल जी कुछ कम्युनिज्म वगैरह से आकर्षित हुए थे, मगर वो डेमोक्रेट थे पक्के, इसीलिए उन्होंने वो नहीं स्वीकार किया, मगर वो समाजवाद में गए। अभी वो समाजवाद में गए उसमें भी खास कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने ये भी कबूल किया कि प्राइवेट इंटरप्राइज भी होना चाहिए। तो वो सोशलिज्म, जो साइंटिफिक सोशलिज्म जिसको कम्युनिज्म कहते हैं, वो यहाँ नहीं अपनाया गया। मूलतः जवाहरलाल भी लोकतंत्र में विश्वास करते थे पक्के, और लोकतंत्र की कीमत पर वामपंथी नीतियों की ओर आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। नहीं, बढ़ ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि फिर तो मामला वायलेंस का हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने वो जिस ढंग से किया जाए, इस ढंग से करने के लिए उन्होंने किया। और वो पक्के डेमोक्रेट थे, वो मेजोरिटी के निर्णय में हमेशा मानने वाले थे। और देश के खिलाफ कुछ भी होता हो, नुकसान होता हो, ऐसा कोई काम वो नहीं करे, कुछ भी उनका विचार हो। इसीलिए जवाहरलाल जी ने काफी अच्छी बातें भी की, जो आज नॉन अलाइनमेंट है वो भी उन्होंने ही शुरू किया। वो लड़ाइयों के खिलाफ थे, इसलिए गांधी जी में विश्वास पक्के करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, मगर वो गांधी जी जैसे सत्याग्रही नहीं थे। उनका जीवन दूसरा था, इंग्लैंड में पले हुए थे, ऐसे तो गांधी जी भी इंग्लैंड में पले हुए थे पहले, पर गांधी जी का तो डेवलपमेंट जो हुआ वो सत्य के आधार पर हुआ, जैसा जवाहरलाल जी के लिए नहीं कहा जाए। मगर जवाहरलाल जी भी ज्यादातर ट्रूथ पर ही चलने वाले थे, यानी वो अनट्रूथ खुद करना नहीं चाहते थे, पर दूसरा कर दे तो नजरअंदाज कर दे, काम में आ जाता हो तो, इतना फर्क होता। श्री मोरारजी भाई, अनेक राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित कामराज योजना का लक्ष्य कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को पीछे धकेलकर श्रीमती गांधी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना था, आपका क्या विचार है? ये बात बिल्कुल सही है, और मैं ही उसका लक्ष्य था, क्योंकि जवाहरलाल ऐसे जाते और मैं मिनिस्ट्री में होता तो मैं ही उनका अनुगामी हो सकता था, दूसरा हो नहीं सकता था। और वो अपनी बेटी को लाना चाहते थे, मेरे खिलाफ तो ऐसी बात नहीं थी, मगर अपनी बेटी के लिए थे। और ये नेहरू खानदान का रवैया पहले से रहा है कि अपने खानदान को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, एक वीकनेस है, वो कई जगह है, एक जगह नहीं है, चलती आती है,
मगर उनमें वो वीकनेस थी, इसीलिए वो चलता रहा। इसीलिए तो आज राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नहीं तो राजीव गांधी का अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। आप समझते हैं कि नेहरू परिवार की जो वंशानुगत परंपरा है, इसके जनक और संस्थापक जवाहरलाल नेहरू ही थे? जवाहरलाल नेहरू ही ज्यादातर थे, पर मोतीलाल जी ज्यादा थे, क्योंकि मोतीलाल जी 1929 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने गांधी जी को प्रार्थना की टोपी उतार के कि आप मेरे पीछे जवाहरलाल जी को ही प्रेसिडेंट बनाए मेरे बाद, और गांधी जी मान गए, उन्होंने बनाया। और जवाहरलाल जी ऐसे फ्रीडम फाइटर तो थे ही, जेल में हमें जाते थे ज़्यादा, तो इसीलिए उनको बना दिया, मगर वो एक परंपरा मोतीलाल जी ने शुरू की थी। सन 1964 में श्री जवाहरलाल नेहरू जी के स्वर्गवास के बाद आप कांग्रेस के नेतृत्व के संघर्ष में कूदे थे, तो क्या कारण थे कि आपको उसमें सफलता नहीं मिल सकी? नहीं, मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसमें हिस्सा लिया और लाल बहादुर शास्त्री खड़े हो गए। हम दोनों तो ऐसे मित्र थे, मगर जहाँ अपना स्वार्थ आता है वहां मित्रता नहीं रहती, तो इसीलिए उन्होंने पहले ऐसा ही कुछ संकेत दिया होगा कि वो इंदिरा जी को सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए वो मिनिस्ट्री में रहे। बाद में फिर चले गए, हम दोनों निकले कामराज प्लेन में जी। मगर वो 3 महीने वापस आ गए अंदर और फिर करते रहे, और उनके जाने के बाद वो बन गए, इंदिरा जी को नहीं बनाया, मगर वही उनका पहले मकसद था, कामराज भी उसमें शामिल थे। तो क्या आप समझते हैं कि पहले से श्री कामराज, श्री लाल बहादुर शास्त्री ये मान करके चल रहे थे कहीं ना कहीं कभी ना कभी श्रीमती गांधी को कांग्रेस की बागडोर सौंपी जाए? कामराज तो करना चाहते ही थे, मगर जब तक लाल बहादुर जी थे तब तक वो छोड़ना नहीं चाहते थे, वो रहना चाहते थे, पर वो चले गए। तब कामराज ने इंदिरा को सपोर्ट किया। सन 1966 के उत्तराधिकार संघर्ष में कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने आपके विरुद्ध श्रीमती गांधी का समर्थन क्या इसलिए किया था कि वे कमजोर महिला को कठपुतली प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते थे? कमजोर महिला कहना वो भी ठीक नहीं, मगर वो इंदिरा जी ने उनको कहा था कि आप कहोगे आपकी सलाह के अनुसार चलूंगी, वो मान गए, इसीलिए वो चाहते थे, वो जानते थे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसीलिए उन्होंने एक फरेब सा कर दिया था। सबको मैंने पूछ लिया है, सब इंदिरा जी की तरफेर में है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ये फैसला करता हूँ, वो बात भी गलत थी। हाँ, ये कांग्रेस के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था जब उत्तराधिकार का फैसला हो रहा था, और उसमें कामराज की भूमिका बड़ी निर्णायक थी। वो तो प्रेसिडेंट थे ना, तो किस तरह से उन्होंने ये सब किया, क्या विस्तार से बताएंगे? वो और उनके साथ दूसरे भी थे ना, कई मुख्य लोग उनके साथ ज्वाइन हो गए थे, जब इसमें होते हैं तो स्वार्थ के लिए हो जाता है। श्रीमती गांधी के साथ शीघ्र ही आपके मतभेद उभरने लगे थे, और उन्हीं मतभेदों का की अंतिम परिणति 1969 में कांग्रेस के विभाजन से हुई। तो क्या, जैसा कि श्रीमती गांधी कहती थी, मतभेदों के कारण मुख्यतः आर्थिक थे या कुछ और कारण थे? मतभेद के कारण में मुख्यतः ऐसा नहीं है, मतभेद के कारण एक ही था कि वो अपना हुकूमत अपने पास रखना चाहती थी, और वो कहे ऐसा कराना चाहती थी, तो वो कोई मैं करने के लिए राजी नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरे पास से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ले ली 69 के जुलाई में, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। और यही उनका सवाल था कि वो जब कैबिनेट में कुछ भी फैसला होता था तो खिलाफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं जो कहता था वो कोई पर्सनल कोई बात नहीं थी, मुद्दों पर बात थी, और उनमें वो शक्ति तो थी नहीं, मगर वो छोड़ना नहीं चाहती, वो अपना अपनी पास ही रहना चाहती थी, और मरते दम तक रही, दातर में गई, क्योंकि लोगों में वो आया, उन्होंने जो गलत तरीका किया इमरजेंसी का, इससे लोग उलट गए और सब लोग एकत्र हो गए 77 में छूटने के बाद, इसीलिए जनता ने अपनी शक्ति दिखा दी, और बाद में फिर जनता पार्टी को तोड़ा, जिन्होंने तोड़ा वो इसके लिए जवाबदार है, मगर वो देश का इतिहास जो है वो एकदम थोड़ा ठीक हो जाएगा। 37 साल में 2000 साल की खराबी दूरी थोड़ी हो जाती है, मगर हो रही है। अब जनता पार्टी की बात पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन पहले मैं एक और
थोड़ा खुलासा करना चाहता हूं कि 1969 में श्रीमती गांधी बार बार ये कहती थी कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता जो अब हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं वो कुछ ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाते थे जो जनता के खिलाफ थी, ये उनका प्रचार था और 1971 का चुनाव भी उन्होंने इसी मुद्दे पर लड़ा था। आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल झूठ है, मगर वो प्रचार तो आखिर तक करती रही। वो तो जनता पार्टी ने जितना काम किया वो तो सब लोग जानते ही मानते ही आज भी याद करते हैं। फिर भी 77 के बाद अभी जब एससी में वापस आई तो हमेशा एक ही प्रचार करती रही, जनता पार्टी ने सारी खराबी ये क्या दी है, भाव बढ़ाया है, दुनिया भर में बढ़ाया है, मगर सब बातें झूठ थी, उनका प्रचार और झूठ चलता ही रहता था। सन 1977 में जनता के अभूतपूर्व विश्वास प्राप्त करके आप देश के प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की प्रमुख उपलब्धियां आप क्या मानते हैं? तभी ही हमने जो इमरजेंसी की खराबियां थी वो निकाल दी, प्रेस की लिबर्टी फुल कर दी और फिर से उसको कोई न कर सके ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बंदोबस्त किया, और जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी गलतबाजी कर दी थी वो भी हमने निकाल दी। ये तो किया। इस तरीके से लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंस भी बराबर हमने एस्टेब्लिश कर दिया, कोर्टों का, हाई जस्टिस का भी हमने इंडिपेंडेंस बराबर एस्टेब्लिश कर दिया, पर इस सबसे ज्यादा लोगों में एक विश्वास आ गया, चीजें सस्ती हो गई, भाव कम हो गए और चीजें जो मिलती नहीं थी वो लोगों को मिलती आई। यानी दाखला इलस्ट्रेशन के हिसाब से बासमती राइस हैं यहाँ कोई खा नहीं सकते थे, वो तो हम प्रदेश जाते थे, मगर 77 में लोग वो खाने लगे, इतनी सस्ती हो गई यहाँ, यानी हर एक चीज सस्ती हुई। जैसे अभी चीनी है तो चीनी पहले 6-7 रुपये 8 रुपये थी, तो जनता पार्टी आई तो 2 रुपया हो गया। ऐसे ही हर एक चीज में हमने वो कर दिया, क्योंकि वो कोई मिरेकल नहीं थी मगर फ्रीडम कर दिया और कंट्रोल गलत निकाल दिया और बीच में से ब्रोकर्स को निकाल दिया, इसीलिए हुआ। और इसीलिए लोगों को आज भी लोग याद करते हैं उसको कि जनता पार्टी के टाइम में जितना मिलता था आसानी से हर एक चीज, ऐसी कभी मिली नहीं, इतना ही नहीं मगर हमारे इर्द गिर्द सब देशों के साथ जैसा संबंध जनता पार्टी के राज में रहा ऐसा कभी रहा नहीं पहले, पाकिस्तान वगैरह के साथ, सब अफगानिस्तान पर्शिया वगैरह सबके साथ जैसा संबंध हमारा रहा ऐसा कभी नहीं रहा। इतना ही नहीं, रशिया और अमेरिका भी हमारे साथ मित्रता से बरतने लगे बराबर और रिस्पेक्टफुली बरतने लगे, जैसे हम उनको रिस्पेक्ट करते थे वो हमको रिस्पेक्ट करते थे और हम कभी दूसरी बात नहीं करते थे, इसीलिए एक एस्टेब्लिश हुआ उस टाइम में। संवैधानिक सफलताएं, आर्थिक सफलताएं, विदेश नीति के क्षेत्र में सफलताएं, ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी 1979 में कैसे टूट गई, किसे दोषी मानते हैं आप? इसमें दोषी तो चरण सिंह को ही कहना चाहिए, मगर चरण सिंह को चढ़ाने वाली इंदिरा बहन थी, उनको हमें संदेशा भेजती रही कि तुम निकल जाओ तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुमको प्राइम मिनिस्टर बन जाओ और सपोर्ट करेंगे, और उनको मनोरथ रहा, इसीलिए वो फंस गए। और गए एक दिन उन्होंने सपोर्ट किया, दूसरे दिन निकाल दिया, तो ज्यादा दिन टेर नहीं टके और इसी वजह से वो पार्टी टूटी, नहीं तो पार्टी टूटती नहीं, और इसी वजह से इंदिरा बहन वापस एससी में आ गई, नहीं तो नहीं आती। जनता पार्टी क्योंकि डिवाइड हो गई इसलिए लोगों का जो भरोसा था वो लोग क्या समझे बेचारे, तो 55% ने तो वोट ही नहीं किया था 80 में। इतिहासदर्शी या भविष्य के इतिहासकार कई बार जब जनता पार्टी का इतिहास लिखेंगे तो जैसा संभवतः मुझे याद पड़ रहा है आपने भी कभी कहा था कि चरण सिंह को दोबारा मंत्रिमंडल में लेना मेरी भूल थी। तो जिस समय चरण सिंह जनता पार्टी को तोड़ने की भूमिका या भूमिका बना रहे थे उस समय आपको उसका अंदाजा था कि नहीं? था ही मुझे अंदाजा, मैंने उनको कहा भी था क्या कर रहे हो, तो डिनाई करते थे, मगर उनको वापस लेना वो मैं नहीं चाहता था, मगर सब साथियों ने जब ये बात की तब फिर मैं डेमोक्रेसी में मानता, या तो मैं साथियों की बात मानूं मेजोरिटी की, नहीं तो मैं छोड़ दूं, यही मेरे पास दो रास्ते थे अभी, तभी जो मैंने छोड़ दिया होता तो जनता पार्टी तब टूट जाती, इसीलिए स्वीकार कर लिया। मगर मैंने उनको वार्न किया था कि अब पार्टी टिकेगी नहीं,
और 3-4 महीने में टूट गई फट, 6 महीने में। एक और संभावना पर विचार किया जाता है कि जनता पार्टी जब टूट गई तो और उसके साथ ही यदि आप नेतृत्व पद से त्याग पत्र दे देते तो संभवतः श्री जगजीवन राम के नेतृत्व में सरकार बन सकती थी, एक संभावना है। ये झूठ गलत है, गलत बात है। उनके नेतृत्व में बन सकती थी किस तरीके से? कुछ न कुछ करप्शन से होता था, लोगों मानते तो मुझे भी वाफर किया था, मगर मैं इस तरीके से करप्ट होके प्राइम मिनिस्टर रहना नहीं चाहता। दल बदल के द्वारा ये मैं कैसा करूं? और मैं जो नहीं करता वो करने में दूसरों को मैं कैसा अपॉर्चुनिटी दे दूं? वो मैं ना किया, क्यों नहीं होगा। इसीलिए जगजीवन राम जी कैसे बनाए, और जगजीवन राम जी को जब बनाए बाद में प्रेसिडेंट तो क्या हाल हुआ? इससे और भी खराबी हुई और छोड़ के चले गए। श्री मुरारजी भाई देसाई, अंततः हम आज की वर्तमान परिस्थिति में आज शासक दल जो कांग्रेस आई है अथवा राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस, इसकी भूमिका या इसका मूल्यांकन आप किस प्रकार करते हैं? इसका मूल्यांकन तो क्या करें, मगर इंदिरा बेन की हत्या हो गई, वो हत्या हुई इसी वजह से लोगों में बहुत बड़ी भावना बन गई, इसीलिए आए इतनी बड़ी मेजोरिटी से, नहीं तो नहीं आ सकते। इंदिरा बेन जिंदी होती, लड़ाई लड़ती तो हार जाती, क्योंकि लोगों में काफ़ी असंतोष था। मगर हिंदुस्तान में एक सेंटिमेंटल लोग हम ज़्यादा है और इसीलिए हुआ। तो ये भी बहुत ज़्यादा टिकेंगे ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, मगर कौन कह सकता है भविष्य के बारे में। एक पॉलिटिकल रीडिंग हो सकता है, मगर पॉलिटिकल रीडिंग के बाद में ऐसा दावा थोड़ा कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ वही होगा और नहीं होगा। देश की समस्याएं आज हैं असम, पंजाब, गुजरात, क्या भविष्य देखते हैं आप भारत का? भारत का भविष्य मैं दुनिया भर में सबसे ऊंचा देखता हूँ। किस आधार पर? यही जो हो रहा है वो देश को मजबूत बनाएगा। हमने आज़ादी आसानी से पाली महात्मा गांधी की वजह से और अंग्रेज लोग की वजह से और सरदार पटेल की वजह से। अंग्रेजों ने तो यहाँ एक राज नहीं कायम किया था, 551 राज कायम किए थे, मगर सरदार पटेल की जीनियस वो थी कि एक साल के भीतर उन्होंने जो कभी इस देश में बना नहीं ऐसी हालत बना दी, सब महाराजाओं को मनवा लिया और एक राज बन गया। वो भूमिका हिंदुस्तान के लिए बनी और वो अभी बनती रहेगी, वो कभी जाएगी नहीं। पाकिस्तान बना तो वो छापने के लिए नहीं है, क्योंकि इससे परिणाम दूसरा निकलता है जी। पर पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान के लिए नुकसान नहीं है, फायदा है, क्योंकि हमने पहले मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड दिया था 1916 में, वो हमने ही मंजूर किया था। जो एक रहते देश तो हम वो सेपरेट इलेक्टेड ले नहीं सकते वापस, और 33% को सेपरेट इलेक्टेड होता तो क्या हाल होता, और फिर शेड्यूल कास्ट को भी देना पड़ता और दूसरों को भी देना पड़ता, आदिवासियों को, देश टूट जाता रहता ही। इसीलिए इस तरीके से वो ठीक ही हुआ है, मगर वो मैं पब्लिकली नहीं कहना चाहूंगा। तो अंततः आप भारत का भविष्य बहुत उज्जवल देखते हैं? मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारत ने स्वराज हासिल किया बहुत आसानी से, और हम लोग कमजोर हो गए 2000 साल से आपस में लड़कर, इतनी जातियां हो गई जिसकी वजह से हमारी कमजोरियां हैं, मगर अब वो जातियां नष्ट हो जा रही है। लोग जो ऊपर ऊपर से देखते हैं उनको लगता है ज्यादा हो रही है, मैं कहता हूँ कम हो रही है। जैसा अस्पृश्यता का निवारण है तो अस्पृश्यता का भी पूरा निवारण हो जाएगा 10-12 साल में, ऐसा मैं मानता हूँ, और फिर जाति भी नष्ट हो जाएगी, फिर ये देश की अखंडता बराबर रह जाएगी और ये देश इतना मजबूत होगा कि इतना विकास करेगा दुनिया भर में वो मार्गदर्शन कर पाएगा ऐसा। क्योंकि हमारी दानत ये तो है नहीं कि हम किसी का कुछ ले। जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं कभी और देशों में जाता था तो कभी किसी पास मांगा नहीं है, उन लोगों ने ऑफर किया तो जो हमें सूटेबल था हमने स्वीकार किया, नहीं तो ना कहा। ये हमारा तरीका रहा, ये हिंदुस्तान का तरीका है। अब बीच में जो राजविवेट चल रहा है वो अलग काम करते हैं, वो अलग बात है, मगर वो तो होता रहता है। आखिर तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तो इससे न घबरा के इसका सामना करो तो भी मजबूत होते हो। आसानी से कोई आदमी आगे नहीं आ सकता। आखिर दुनिया भर के इतिहास में देखोगे कि जिन लोगों ने
अपनी ही मेहनत से अपनी शक्ति पैदा की है, उन लोगों ने ही दुनिया में कुछ काम किया है। जो लोग आसानी से आगे बढ़े हुए हैं उनका वो स्थान नहीं है, दुनिया भर में आप देखोगे। इसीलिए वो बात मैं कहता हूं कि आज ये जो मुसीबत आ रही है वो भी लोगों को मजबूत करने के लिए आ रही है, और मजबूत हो जाएंगे क्योंकि लोगों में हिम्मत आ रही है। हमारी जो कोई भी तकलीफ हो इस देश में, कोई कमी हो, वो डर की है। डर हमारे वहां बहुत ज्यादा पहले से और देशों से ज्यादा है। हर एक जगह डर तो है इंसानों में, मगर यहां सबसे ज्यादा डर है। हर एक चीज डर से होती है क्योंकि आपस में लड़े, मगर अब वो डर कम हो रहा है। आप जो ये सब देख रहे हैं रायट्स वगैरह भी, वो भी डर निकलता जा रहा है उसकी निशानी है, मगर पहले तो वही होता है। वो निकल जाएगा डर, फिर इस देश का मुकाबला कोई नहीं कर पाए और सारी दुनिया सुखी हो, यही हम चाहते हैं। महात्मा गांधी वही चाहते थे कि सिर्फ हमारा भला हो और दूसरे ऐसे करे, वो हम नहीं चाहते। दूसरों को खराब करके, दूसरों को नुकसान पहुंचा करके हम हमारा फायदा करना नहीं चाहते। ये हमारी देश की भूमिका रही है। त्याग ही हमारी सबसे ज्यादा एक ड्राइविंग पावर है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गुरुदा कस्य धनम। ये हमारी संस्कृति का फाउंडेशन, और इसीलिए वो ही आज भी आप देखोगे कि यहाँ जितनी त्याग की भूमिका आप देखोगे लोगों में, वो आपको और जगह नहीं मिलेगी। यहाँ जितनी सज्जनता आपको मिलेगी, इतनी सज्जनता आप दूसरी जगह नहीं पाओगी। किसी के वहाँ चले जाओ, आपको पानी पूछेगा, खाना भी पूछेगा, कुछ भी करेगा, मगर और जगह तो आपको कोई पूछेंगे ही नहीं। इसीलिए वो यहाँ है। यही हिम्मत नहीं है, डर है, इसी वजह से गलती हुई है। डर से इंसान सब कुछ गलत करता है। वो डर अब जा रहा है, और ये जब इंसान मुसीबत से गुजरता है तभी डर जाता है, आसानी से डर नहीं जाता है। ये मैं स्वानुभव से आपसे कहता हूं। श्री मुरारजी भाई देसाई, हम आशा करते हैं कि आपका ये आशावाद देश में बहुत जल्दी साकार हो, और इसी आशावाद के साथ भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये 15-20 साल लगेगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी 15-20 वर्ष देश की जिंदगी में बहुत छोटा सा होता है। कोई 15-20 साल क्या है।